कुछ नेता खुद को ज्यादा समझदार दिखाने की कोशिश में इस तरह के ट्वीट कर जाते हैं कि बाद में उन्हें अपनी बातों पर ही ना सिर्फ शर्मिंदा होना पड़ता है बल्कि माफी तक मांगनी पड़ती है। इसी तरह की जिल्लत इन दिनों बॉलीवुड एक्टर और भारतीय जनता पार्टी के सांसद परेश रावल को झेलनी पड़ रही है। असल में परेश रावल ने नवंबर साल 2008 को मुंबई हमलों के दौरान शहीद होने वाले संदीप उन्नीकृष्णन के बारे में ट्वीट करते हुए लिखा था कि मुंबई ताज हमले में शहीद मेजर संदीप उन्नीकृष्णन बेंगलुरु से हैं और उन्हें राज्य सरकार की तरफ से 21 बंदूकों की सलामी नहीं दी गई, मगर वास्तविकता एकदम इससे उलट है क्योंकि मुंबई हमले में शहीद होने वाले मेजर संदीप उन्नीकृष्णन का अंतिम संस्कार 29 नवंबर साल 2008 को पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया था। वहीं अंतिम संस्कार के दौरान उन्हें 21 बंदूकों की सलामी भी दी गई थी। यही नहीं बल्कि शहीद संदीप की अंतिम यात्रा में हजारों की संख्या में लोग भी शामिल हुए थे। वैसे आपको बताते चले कि उस समय कर्नाटक प्रदेश में भाजपा की सरकार थी और वीएस येदियुरप्पा सूबे के मुख्यमंत्री थे। याद रहे इससे पहले परेश रावल लेखिका अरुंधति रॉय को लेकर भी विवादित ट्वीट करके विवादों में फंस चुके हैं। खैर इस मामले में खुद को घिरता हुआ देखकर परेश ने अपनी सफाई देते हुए कहा है कि उनसे नहीं शब्द का इस्तेमाल गलती से हो गया। एसपीएन 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।